प्रणाम जी सुंदर सा जी। जो बंगली मोहल छाती बनी, हद तलाक तली जो आई, त्यों ही इनकी हद चली, कुंडलों पोछी धाई। बंगला की चबूतरे पर शोभा देखी थी, बंगलों और चबच्चों की छदी चांदी पर पुखराजी ताल की शोभा। उसी प्रकार देखते हैं अदबीज के कुंड की चबूतरे पर जो फील पाए बड़ो वन और बगीचे आए हैं, उनकी छठी चांदनी पर ताल की शोभा हुई है। इत चारों तरफों मोहल है, एजो तली ऊपर दरमिया, ताकि तीनों तरफ छज्जी बनी, सो हर भूमो तुम जा। चौथी तरफ की कही मोहलों मिले मोहल सब, इत कुंड तलाबी आईया सब मालूम होवे तब। अदबिज के कुंड की छठी भूमि, कुंड के चारों तरफ महल आए हैं, जिन्हें फील पायों की मोहलाते कहते हैं, क्योंकि इनके नीचे फील पाए आए हैं। इन महलों की प्रत्येक भूमि तीन तरफ छज्जों की शोभा है। चौथी तरफ दहलाने हैं आठ थंबों की 14 हारी। अदबिज के कुंड की पश्चिम तरफ दहलान की सुंदर शोभा, जो बंगले की पूर्व की दहलान से मिलते हुए ऊपर गई है 1000 रूप। अदबिज के कुंड की छठी भूम से क्या शोभा रहती है, उन शोभा को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से पेज नंबर 195 पैराग्राफ 5 होम ऊपर। मध्य चबूतरा में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरा के चारों तरफ 12 थंभ कठेड़ा, चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। 400 कोस की परिक्रमा आई है। अदबीज के कुंड में चबूतरे पर जब आई थी तब शोभा देखी थी। बड़ो वन फील पायों की हारों के मध्य, जो बगीचों का स्थान आया था, 27 की 27 हार सुंदर बगीचे आए थे। उनमें ठीक मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर पर ऊंचा चबूतरा आया, जिनके मध्य 1 हाथ का जल का स्तूप ऊपर गया है। होम दर होम 5 होम तक ये शोभा देखी। छठी भूमि में शोभा देखते हैं उन चबूतरे की ठीक ऊपर। छठी भूमि में भी 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। ये जो लाल रंग में शोभा आ रही है, 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, तीन हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं और 400 कोस की परिक्रमा घेर कर आई है। चबूतरा के चारों तरफ 12 थंभ कठेड़ा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं। 400 कोस की परिक्रमा आई है। नीचे की भूमि में होकर पानी का जो स्तून थंब आया था, सो यहाँ चबूतरे के नीचे फूटा है, जिससे बेशुमार पानी का पोर निकला। जल का स्तून 1 हाथ का लंबा चौड़ा जो बंगला की चबूतरे से उठा, वो इन छठी भूमि में इन चबूतरे के नीचे फूटता है, जिससे बेशुमार जल का पोर निकलता है। 3 हाथ की लंबी चूड़ी कमर भर ऊंचे चबूतरे के नीचे पानी का स्तून फूटा, जिससे बेशुमार पानी हुआ। जिस कारण से 10,800 कोस में पानी का ताल हुआ,
इसकी गहराई नाभि तक आई है। इस ताल में 28 स्तंभों की 28 सारे आई हैं। सब स्तून 784 हुए, सो सब थम पानी में डूबे हुए हैं। मध्य के चबूतरे पर 4 थम कम होएंगे। मध्य में जो 3 हास का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिनके किनार पर 12 थम शोभायमान, इन चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटा, जिससे बेशुमार पानी का पोर निकला, जिस कारण से 10,800 कोस में ताल की शोभा हुई। कमर भर गहरा जल और इन जल में 28 फीलपायों की 28 सारे जल में डूबे हुए, 28 फीलपायों की 28 सारे शोभायमान होती हुई मध्य में चबूतरा आने से कुछ फीलपाय कम हुए हैं। अद्भिज के कुंड की चबूतरा से ही शोभा देखी थी 28 फीलपायों की 28 सारे। जो 6 बच्चे आए थे उनके मध्य में ये फीलपाय आए थे। अब इस ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है। इस रोस से हाथ लगता जल है, जल तरफ कठेड़ा आया है। इस रोस से ऊंची कमर भर पाल आई है। 10,800 कोस के लंबे चौड़े इन ताल को घेर कर 100 कोस की रोस आई है। जल तरफ कठेड़े की शोभा और इन रोज से 3 सीढ़ी ऊंची पाल की शोभा आई है। ताल को घेर कर 100 कोस की रोज, जल तरफ कठेरे की शोभा और इन रोज से 3 सीढ़ी ऊंची पाल की शोभा। इस रोज से ऊंची कमर भर पाल आई है। 11,150 कोस की पाल, ये जो पाल आई है चारों तरफ देखेंगे 11,150 कोस की चौड़ाई लिए है। आगे बयान है, जल की रोस से कमर भर ऊंची 75 कोस की चौड़ी रोस किनार पर कठेड़ा है। 100 कोस की जल रोस पर है। उन रोज से 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आएंगी तो यहाँ घेर कर लाल रंग में शोभा दिखा रखी है। 75 कोस की रोज आई है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा शोभायमान है जल रोज की तरफ। पाल पर 5 वृक्ष मधुवन की, जिसमें 4 संत आई है। कमर पर ऊंची पाल पर जब आई, 75 कोस की रोस को पार किया तो आगे 5 वृक्ष, 5 आ रही मधुवन के वृक्षों की। इन 5 हारों में 4 संदे हुई, 4 मेहराबे हुई। प्रत्येक संद 846 कोस की है। 5 हारों में 4 मेहराबे, प्रत्येक मेहराब 846 कोस की आई है। सब जगह 3,384 कोस हुई। के वृक्षों की 5 हारे, उनमें 4 संद, एक संद 846 कोस की, तो कुल जगह हुई 3,384। आगे एक संद 846 कोस की है। इस संद ऊपर मेहराब आई है। फील पायों के मोहलात और बड़ वन के वृक्षों पर ये मेहराब आई है। जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर 75 कोस की रोस पर आए। आगे मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, इन्हें पार किया तो एक सन, ये लाल रंग में दिखा रखी है, 846 कोस की।
इन संत पे खड़े हैं, ऊपर की ओर देखेंगे तो एक मेहराब नजर आएगी। ये मेहराब बड़ोवन के वृक्षों की और मोहलातों की आई है। दो हजार 538 कोस की जगह में मोहलातों की तीन हारे आई हैं। संत की शोभा देखी थी 846 कोस की, आगे मोहलातों की तीन हारे आई हैं। मोहलातों की घेर कर तीन हारों की शोभा आई है और इन्होंने जगह घेरी है 2538 कोस। अद्विज के कुंड के चबूतरे पर शोभा देखी थी, चार हारे फील पाए, उनमें तीन संदे आई थी, उन संदों पर ये मोहलाते आई हैं। 2538 कोस की जगह में मोहलातों की तीन हारे आई हैं। पीर पायों की मोहलात इस वास्ते का है क्योंकि इसके नीचे फील पाए आए हैं। ये मोहलात चौदस हवेली के समान आए हैं। ये जो मोहल आए हैं फील पायों के मोहल, ये चौरस हवेली के समान शोभायमान है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिर भीतर जाएंगे, एकदम की हर दो गली, ठीक मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, चबूतरे पर सुंदर बैठक। मोहलात के आगे 846 कोस की संध आई है। मोहलातों की तीन हारे पार करेंगे तो पुनः 846 कोस की संध। उन्हें इस संत के ऊपर देखेंगे तो एक मेहराब दिखाई देगी। ये मेहराब आधी तो वृक्षों की है और आधी मोहलातों की। आगे वर्णन है, इसके आगे पांच मधुवन के वृक्ष आए हैं जिनमें चार संदे हुई। एक संत 846 कोस की, चारों की 3384 कोस की जगह हुई। इसके आगे मधुवन के वृक्षों की पांच हारे, घेर कर मधुवन के वृक्षों की पांच हारे जिनमें चार संध हुई, एक संध 846 कोस की, तो कुल कोस हो जाते हैं 3384 कोस। आगे 75 कोस की पाल है। पाल रोज की किनार पर चारों तरफ कठेड़ा शोभायमान है। आगे 75 कोस की पाल की शोभा और इनकी किनार पर कठेड़े की शोभा आई है। छठी छत पर है, किनार पर 75 कोस की रोस, तो वन तरफ बाहरी तरफ सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। यहां तक कोस 11150 कोस हुए, इतने ही कोस दूसरी तरफ हुए। ताल को घीर कर जो 100 कोस की रोस आई है, इनसे तीन सीढ़ी चढ़कर पाल पर आई। 75 कोस की रोस यहां से लेकर इस किनार तक 11150 कोस हुए, इतने ही कोस दूसरी तरफ हुए। ये फील पाई के मोहल या मधुवन के वृक्ष तीन तरफ की पाल पर आए हैं। दक्षिण, पूर्व, उत्तर तरफ आए हैं, पश्चिम तरफ नहीं आए। घेर कर जो शोभा देखी, ताल को घेर कर जो जल रोस आई है, उनसे तीन सीढ़ी चढ़कर पाल पर आए। सबसे पहले 75 कोस की रोस, आगे पांच हारे मधुवन के वृक्षों की, उन्हें 846 कोस की एक संत, आगे फील पायों की मोहलातों की तीन हारे, 846 कोस की संत, उसके आगे मधुवन के वृक्षों की पांच हारे और पुनः 75 कोस की संत। तो ये जो फील पाई मोहलाते आए हैं, ये आए हैं पूर्व की तरफ और उत्तर दक्षिण की तरफ, पश्चिम
पश्चिम तरफ नहीं आई। इनकी शोभा ही है पूर्व, उत्तर और दक्षिण तरफ। पश्चिम तरफ नहीं आई। ताल के सामने 11,075 गज की हद में ढलान आई है। दाएं बाएं मोहलात वृक्ष आए हैं। पश्चिम की ओर देखते हैं तो देलान की शोभा आई है। देलान की शोभा ग्यारह हजार 75 कोस की हद में देलान आई है। दाएं बाएं मोहलात और वृक्ष आए हैं। इन देलान के दाएं बाएं मोहलातें और वृक्षों की शोभा आई है। ग्यारह हजार 75 कोस कैसे हुई उन शोभा को देखते हैं। पश्चिम तरफ देखते हैं पाल आई है 11,150 कोस की, जिनमें 75 कोस की जगह इन रोस ने घेरी है। जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़ के जब पाल पे आते हैं तो वहां 75 कोस की रोस। इन रोस के साथ लगते देहलान की शोभा आई है। तो देहलान हो गई 11,075 कोस की हद में। और देहलान के दाएं बाएं मोहलाते और मधुवन के वृक्षों की शोभा आई है। आगे शोभा है बंगलों की चांदनी से देहलान द्वारा होकर चले आइए। देहलान से निकलकर 75 कोस की रोस उलंघकर आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आगे आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल में झीलना करिए। बंगलों में है बंगलों की छठी चांदनी पर। तो पश्चिम तरफ जो देहलान आई है 8 थंभों की 7 हारे उन मेहराबों से दौड़ते हुए आए। अदबिज की कुंड की तरफ 75 कोस की रोस पर पहुंचे। इन रोस को पार किया 3 सीढ़ी उतरकर जल रोस पर आए। यहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल में झीलना कर सकते हैं। यहां से सब जोगबाई एक भूम उठकर ऊपर छत पड़ गई है। स्तून को छोड़कर इस 7वीं चांदनी पर वही नीचे वाली सब बनक आई है। कुछ जरा भी अंतर नहीं है। ये बनक जोगबाई सब ऊपर ऊपर 496 भूम तक गई है। हर एक भूम की छज्जा कठेड़ा सब दिखाई देता है। तरहटी के चबूतरे से 496 भूम की ऊंची चांदनी आई है। घेर कर मधुवन के वृक्ष फील पाए पुनः मधुवन के वृक्ष। भीतर ताल की शोभा भूम दर भूम ये शोभा 496 भूम तक गई है। केवल जो छठी भूम में शोभा देखी कि चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटा है वो शोभा अन्य भूमि में नहीं है। भूम दर भूम इसी तरह से कमर भर गहरा ताल पीलपायों की शोभा और घेर कर वृक्षों की शोभा मोहलातों की शोभा आएगी। इन पैराग्राफ के माध्यम से महाराष्ट्र जी ने शोभा दिखलाई कि अद्वेज के कुंड की जब छठी भूम में आते हैं तो शोभा देखेंगे 33,300 कोस की लंबी चौड़ी छत, किनार पर 75 कोस की रोस, रोस के बाहरी किनार पर नूरमय कठेरे की शोभा। भीतर की ओर देखते हैं तो मधुवन के वृक्षों की सुंदर शोभा, मधुवन के वृक्षों की 5 हारे। इन हारों को पार करते हैं तो फील पायों की मौलातों की 3 हारे, उन्हें मधुवन के वृक्षों की 5 हारे। इनको पार करते हैं तो भीतर की तरफ 75 कोस की रोस,
75 कोस की रोज से कमर भर की सीढ़ी 100 कोस की जल रोज पर उतरी है। आगे जल का विस्तार ठीक मध्य में जो 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इनके नीचे जल का स्तोन फूटा जिससे ताल की शोभा हुई। 10,800 कोस के लंबे चौड़े ताल की शोभा, इनमें 28 फीलपायों की 28 सारी। पश्चिम दिशा में देलान की शोभा आई है, 8 थंबों की 14 हारी। इन देलान ने बंगला की देलान से मिलान किया है, तो बंगलों की छठी चांदनी से दौड़ते हुए यहां पर आए। देलान से निकलकर आगे 75 कोस की रोस पार करके 3 सीढ़ी उतरकर जल रोस पर आए, वो 3 सीढ़ी उतरकर ताल में छीलना करें। भूम दर भूम 490 भूम तक तरटी के चबूतरे से लेते हैं तो 496 भूम तक इसी तरह से शोभा रहती है। भूम दर भूम ताल प्रकट होता है, मध्य चबूतरे की शोभा होती है, फील पाए आते हैं। वह जो जल का स्तोन छठी भूम में फूटा था वो अन्य भूमों में शोभा नहीं आई है। इस तरह से भूम दर भूम 496 भूम तक ये शोभा गई है। अब इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से 5 भूम ऊपर मध्य चबूतरा में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे के चारों तरफ 12 थंब कठेड़ा चारों दिशाओं में सीढ़ी उतरी है। 400 कोस की परिक्रमा आई है। नीचे की भूमि में होकर पानी का स्तून थम जो आया है सो यहाँ चबूतरे के नीचे से फूटा है जिससे बेशुमार पानी का पोर निकला, जिस कारण से 10,800 कोस में पानी का ताल हुआ। इसकी गहराई नाभि तक आई है। इस ताल में 28 स्तंभों की 28 हारे आई हैं। सब स्तून 784 हुई तो सब थम पानी में डूबे हुए हैं। मध्य के चबूतरे पर 4 थंब कम हुए हैं। अब इस ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस आई है। इस रोस से हाथ लगता जल है, जल तरफ कठेड़ा है। इस रोस से ऊंची कमर भर पाल आई है, 11,150 कोस की पाल। ब्यान जल की रोस से कमर भर ऊंची 75 कोस की चौड़ी रोस किनार पर कठेड़ा आया है। पाल पर 5 वृक्ष मधुवन की जिनमें 4 संदे आई हैं। एक संद 846 कोस की सब जगह 3,384 कोस की हुई। आगे एक संद 846 कोस की है। इस संद ऊपर मेहराब आई है, पीर पायों की मौलाते और बड़ो वन के वृक्षों पर ये मेहराब आई है। 2,538 कोस की जगह में मौलातों की 3 हारे आई हैं। पीर पायों की मौलाते इस वास्ते कहा जाता है क्योंकि इसके नीचे फिर पाए आए हैं। ये मौलात चौरस हवेली के समान आई है। मौलात के आगे 846 कोस की संद आई है। इसके आगे 5 मधुवन के जो वृक्ष आए हैं जिनमें 4 संदे आई हैं। एक सन 846 कोस की चारों की 3,384 कोस की जगह हुई। आगे 75 कोस की पाल रोस है। पाल रोस की किनार पर चारों तरफ कठेड़ा शोभायमान है। यहाँ तक कोस 11,150 हुई। इतने ही कोस दूसरी तरफ आए हैं। ये फील पाए कि मोहोलिया मधुवन के वृक्ष 3 तरफ की पाल पर आए हैं। दक्षिण पूर्व उत्तर तरफ आए हैं, पश्चिम तरफ नहीं आए। ताल के सामने 11,075 कोस की हद में देहलान आई है। दाएं बाएं मोलातों के वृक्ष हैं। बंगलों की चांदनी से देहलान द्वारा होकर चले आई है। देहलान से निकलकर 75 कोस की रोस सुनकर आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आके आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल में झीलना कीजिए। यहां से सब जोगवाई एक भूम उठकर
ऊपर छत पड़ गई है स्तून को छोड़कर इस सातवीं चांदनी पर, वही नीचे वाली सब बनक आई है, कुछ जरा भी अंतर नहीं है। ये बनक जोगबाई सब ऊपर ऊपर 496 भोंट तक गई है। हर एक भूम का छज्जा कठेरा सब दिखाई देता है। तरटी के चबूतरा से 496 भूम की ऊंची चांदनी आई है। आगे वर्णन है खास मोल, ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर साजी।